वेलकम टू द आयुर्वेदा क्लासेस। मेरा नाम वोजानी मेहुल है और हम आज फिजियोलॉजी में से टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। हमारी रेफरेंस बुक में सेम्बुलिंगम रहेगी, बराबर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले देख लेते हैं होम्योस्टेसिस मतलब क्या। तो देखिए, होम्योस्टेसिस वर्ड जो है वो खुद दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला होम्योस और दूसरा स्टेसिस। अब होम्योस और स्टेसिस उसका मतलब क्या है, देखिए। होम्योस मतलब होता है सेम, मतलब समान, और स्टेसिस मतलब स्टेनिंग, मतलब समान वस्तु, मतलब एक इन्वायरमेंट, कांस्टेंट इन्वायरमेंट बनाए रखना, उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, बराबर। देखिए यहाँ लिखा है होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एन्वायरमेंट ऑफ बॉडी, मतलब क्या, तो कि हमारी अपनी बॉडी का आंतरिक पर्यावरण ऐसे कांस्टेंट वे में बनाए रखना, उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब देखिए होम्योस्टेसिस की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्लाउडे बर्नार्डिये। देखिए उन्होंने 19th सेंचुरी में होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस बताई थी और उन्होंने होम्योस्टेसिस के लिए ग्रीक लैंग्वेज में मिल्यू इंटीरियर वर्ड को दिया था, बराबर। मिल्यू इंटीरियर मतलब क्या होता है, उसका मतलब होम्योस्टेसिस, बराबर। और जो एक्चुअल टर्म है जो होम्योस्टेसिस, उसको देने वाले साइंटिस्ट थे वॉल्टर बी कैनन, उन्होंने 1930 में ये वर्ड दिया है, बराबर। अब देख लीजिए होम्योस्टेटिक सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब होम्योस्टेसिस हमारे शरीर में काम कैसे करता है, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेटिक सिस्टम, तो उसमें देखिए क्या क्या होता है। पहले उसमें तीन कंटेंट होते हैं, पहला सेंसर, तो कंट्रोल सेंटर, और उसे हम इंटीग्रेटर सिस्टम भी बोल सकते हैं, और तीसरा है इफेक्टर। तो देख लिए एक एक को हम इलेबरेट करते हैं। देखिए सेंसर क्या करता है, ये सेंसर ऐसा ही काम करता है जैसे कि कोई गार्ड काम करता है, बराबर। देखिए ये क्या होगा, सेंसर रिकॉग्नाइज द डेविएशन इन इंटरनल एनवायरनमेंट एंड मेंटेन द कंट्रोल, मेंटेन ट्रांसमिट टू द कंट्रोल सिस्टम, बराबर। मतलब ये क्या करेगा, तो क्या जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे बॉडी के जो चेंज आया उसे वो लेगा और कंट्रोल सेंटर को देगा, बराबर। ये काम होगा सेंसर का। अब बारी आई कंट्रोल सेंटर की, बराबर, कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेटर सिस्टम की। देखिए क्या हुआ, कंट्रोल सेंटर रिसीव मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड कमांड टू कंसर्न्ड इफेक्टर, बराबर। देखिए मतलब कमांड सेंटर का, मतलब कंट्रोल सेंटर का काम क्या है, तो सेंसर ने जो सेंस किया डेविएशन जो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट में आया, वो सेंसर ने जो सेंस किया और कंट्रोल सेंटर को भेजा, उसे उसने सेंस किया और उसको रिस्पोंड किया। अब रिस्पोंड कैसे करेगा, तो देख लीजिए वो इफेक्टर के थ्रू रिस्पोंड करेगा, क्योंकि कंट्रोल सेंटर मतलब होता है बॉस, और अगर कोई गार्ड बॉस को ये सूचना देता है कि हमारी कंपनी में ये कोई चेंज हुआ है, तो बॉस तो खुद वो काम करेगा नहीं, वो काम दूसरे से करवाएगा, बराबर। और वो काम करने वाला कौन होगा, इफेक्टर। अब कंट्रोल सेंटर है वो इफेक्टर को एक मैसेज देगा, बराबर। वो इफेक्टर को एक मैसेज देगा, क्या मैसेज देगा, देखिए इफेक्टर, अब इफेक्टर के बारे में देख लेते हैं। कमांड रिसीव फ्रॉम सेंटर एंड एक्सीलरेट और इनहिबिट एक्टिविटी सो नॉर्मलसी रिस्टोर्ड। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। कमांड रिसीव फ्रॉम सेंटर मतलब ये कंट्रोल सेंटर है जो उससे वो कमांड को रिसीव करता है, मतलब ले लेता है, और वो चेंज करना होता है तो दोनों दिशा में, दोनों डायरेक्शन में वो चेंज कर सकता है। देखिए या तो वो जो रिस्पॉन्स आया उसे वो बढ़ा देगा, मतलब एक्सीलरेट कर देगा, या तो वो इनहिबिट कर देगा, मतलब उसे रोक देगा कि नहीं अब ये चेंज हमें नहीं चाहिए, बराबर। तो उसे नॉर्मल सी, मतलब
फिर से वो इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसा का ऐसा बना रहता है। ये काम हुआ इफेक्टर का। अब देखिए फ्लो चार्ट में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। देखिए पहले नॉर्मल बॉडी एनवायरनमेंट चल रहा था, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट, फिर उसमें कुछ आ गया डेविएशन। अब डेविएशन को सेंस किया सेंसर ने, हमारे सेंसर भाई ने, बराबर। सेंसर ने इन्फॉर्मेशन को ली और भेज दिया कंट्रोल सिस्टम को, बराबर। अब कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, वो कमांड देगा। किसको कमांड देगा, इफेक्टर को। आ गया इफेक्टर, और इफेक्टर कंट्रोल सिस्टम के इन्फ्लुएंस में आकर उस डेविएशन को कंट्रोल, मतलब उसको करेक्शन करने की कोशिश करेगा। और अल्टीमेट एम उसका होगा कि फिर से नॉर्मल बॉडी इन्वायरमेंट बना रहे, बराबर। ऐसे का ऐसा जो पहले इन्वायरमेंट था वो नॉर्मल बॉडी इन्वायरमेंट फिर से वापस आ जाए, बराबर। तो ये देखिए ये हो गया, बराबर। अब देखिए अब होम्योस्टेटिक सिस्टम काम कैसे करता है, तो देखिए उसके लिए हम क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योस्टेटिक सिस्टम, बराबर। मतलब वो काम कैसे करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, बराबर। देखिए इफेक्टर ब्रिंग बैक द नॉर्मलसी आइदर बाई, देखिए दो प्रकार से करेगा, इनहिबिटिंग एंड रिसीविंग द चेंज, रिवर्सिंग द चेंज, और सपोर्टिंग एंड एक्सेलरेटिंग द चेंज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, बराबर। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो इफेक्टर है, देखिए ये इफेक्टर, ये इफेक्टर कहाँ गया, ये रहा, देखिए ये इफेक्टर, वो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट है वो उसको नॉर्मल करने के लिए दो प्रकार से काम करेगा। देखिए पहले तो वो जो भी कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर ने जो मैसेज भेजा है वो कैसा हो सकता है इफेक्टर को, या तो वो बढ़ाने वाला होगा, बराबर। ये देखिए दूसरा वाला बढ़ाने वाला है कि इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया है तो उसे बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो काम का चेंज है, बराबर। उसको सपोर्ट करेगा और उसको एक्सेलरेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और अगर दूसरी रिक्वायरमेंट हुई कि भाई हमें ये चेंज आया है वो नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए कंट्रोल सेंटर है ना, वो इफेक्टर को एक मैसेज भेजेगा कि भाई ये चेंज हमें नहीं चाहिए, तुम कैसे भी करके ये चेंज को बाहर निकालो, हमें ये चेंज नहीं चाहिए, बराबर, इस चेंज को ख़त्म कर दो। तो इफेक्टर क्या करेगा, उस चेंज को इनहिबिट करेगा और नॉर्मल स्थिति फिर से बनाने की कोशिश करेगा, मतलब उसे रिवर्स करेगा, बराबर, चेंज को रिवर्स कर देगा, बराबर। ये हुई उसकी मैकेनिज्म, बराबर। अब देखिए होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म फंक्शंस बाय टू टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम, बराबर। वो दोनों होता है फीडबैक और फीड फॉरवर्ड, देखिए यहाँ लिखा है मैंने फीडबैक और फीड फॉरवर्ड, ये दोनों होता है। देखिए तो हम उसमें देख लेते हैं पहले फीडबैक, फीडबैक में भी दो टाइप आ गए, नेगेटिव फीडबैक होम्योस्टेटिक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक होम्योस्टेटिक सिस्टम, बराबर। तो चलिए देखते हैं कि ये फीडबैक और फीड फॉरवर्ड का क्या है, बराबर, कॉन्सेप्ट क्या है उसका। तो देखिए ये आ गया फीडबैक मैकेनिज्म, बराबर। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब क्या, इन दिस इफेक्ट और आउटपुट ऑफ एन एक्शन इज रिटर्न टू मॉडिफाई द एक्शन, बराबर। अब क्या कहा गया है, देखिए सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये फीडबैक मैकेनिज्म है, उसमें इफेक्ट और आउटपुट ऑफ एन एक्शन इज रिटर्न टू मॉडिफाई द एक्शन, बराबर। मतलब कोई चेंज आया तो उसे हम क्या करेंगे, उसे वापस भेज देंगे, भाई ये चेंज हमें नहीं चाहिए, या अगर चाहिए होता है तो कैसे करेंगे, देख लेते हैं वो। देखिए उसका एक टाइप है नेगेटिव फीडबैक, बराबर, और दूसरा टाइप है पॉजिटिव फीडबैक। पहले देखिए यहाँ एक लिखा है इन दिस द चेंज एक्चुअली अकर्स, मतलब क्या, देखिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म वाली है दूसरी लाइन को, कैसा एग्जांपल लेते हैं, देखिए डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल, बराबर। अगर कोई ऐसी कंडीशन हुई हमें प्यास लगी तो हमने पानी पिया, अगर हमने प्यास नहीं लगी तो हमने पानी नहीं पिया, सिंपल सा मीनिंग इस लाइन का ये होता है। मतलब चेंज अगर हुआ, कोई चेंज इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट में हुआ तो होम्योस्टेटिक सिस्टम काम करेगा और वो नॉर्मल सी लाने के लिए, बराबर, क्या लेगा, नॉर्मल सी, मतलब बॉडी एनवायरनमेंट को फिर से नॉर्मल कर देगा, बराबर। ये सा कहना चाह रहा है और कुछ नहीं, बराबर।
अब देख लेती है, देख लीजिए उसका पहला टाइप फीडबैक मैकेनिज्म का क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बराबर, देखिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, व्हेन इफेक्टर अपोज द स्टिमुलस एंड रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बराबर, मतलब क्या कहना चाह रहा है, इफेक्टर कंट्रोल सिस्टम मतलब नेगेटिव सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है उसमें कंट्रोल जो सेंटर है वो इफेक्टर को ऐसा मैसेज भेजेगा कि ये चेंज जो हमें आया है बॉडी इन्वायरमेंट में वो हमें नहीं चाहिए, मतलब उसको नॉर्मल करने की कोशिश करो। तो देखिए यहाँ लिखा है इफेक्टर अपोज, मतलब उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसका विरोध करता है इफेक्टर, वो चेंज का स्टिमुलस का अपोज करता है। एंड रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इज कॉल्ड फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। बराबर, देखिए फिर क्या लिखा है, कंट्रोल सेंटर एक्ट अपोजिट एंड एरर इज मिनिमाइज। मतलब क्या कि जो ये कंट्रोल सेंटर है वो इफेक्टर को ऐसा मैसेज भेजेगा कि ये हमें चेंज नहीं चाहिए। बराबर, उसका अपोजिट मतलब जो स्टिमुलस आया होगा या चेंज आया होगा उसका अपोजिट वो मैसेज भेजेगा, तो बॉडी की इंटरनल कंडीशन है और फिर से नॉर्मल हो सकती है, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। बराबर, अब ये देखिए इम्पोर्टेंट लाइन आई, मोस्ट सिस्टम सपोर्टिंग होम्योस्टेसिस ऑपरेटेड बाय, क्या लिखा है देखिए, ऑपरेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक। बराबर, मतलब क्या इस लाइन का, मतलब हमारे बॉडी में जो भी फीडबैक सिस्टम के एग्जांपल है, जो भी फीडबैक मैकेनिज्म से ऑपरेट होती है होम्योस्टेसिस, उसमें ज़्यादातर हमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम देखने मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं उसे आगे, पहले इस नेगेटिव फीडबैक वाले के एग्जांपल देख लेते हैं। बराबर, देखिए उसका पहला एग्जांपल है टीएसएल सिक्रीशन। बराबर, और एनी अदर रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। बराबर, मतलब दूसरे जो भी हॉर्मोन्स सिक्रीट होता है उसमें भी, उसके रेगुलेशन में भी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ही काम करेगा। बराबर, चलिए देखते हैं उसका क्या एग्जांपल है। देखिए फ्लो चार्ट से आपको बढ़िया तरीके से समझाया गया है, समझाने की कोशिश की है मैंने। देखिए ले यहाँ से चालू करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्या था, नॉर्मल थायरोक्सिन। बराबर, थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मल था। बराबर, अब चलिए आपका उसका पहला पहलू देख लेते हैं, अगर थायरोक्सिन बढ़ गया तो क्या होगा। बराबर, अगर थायरोक्सिन बढ़ गया तो ब्लड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। बराबर, और टी मतलब पिच्यूटरी ग्लैंड से वो सेंस कर लेगी पिच्यूटरी ग्लैंड कि भाई ब्लड में थायरोक्सिन बढ़ रहा है, तो हमें TSH का लेवल कम करना पड़ेगा ताकि थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाए। बराबर, देखिए इनिबिशन ऑफ थायरोक्सिन सिक्रीशन कैसे हुआ, पिच्यूटरी ने करवाया, TSH का सिक्रीशन उसने लो कर दिया। बराबर, तो वो थायरॉइड से थायरोक्सिन भी कम निकलेगा। तो देखिए यहाँ आ गया डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, और बॉडी में जो बढ़ा हुआ वो था थायरोक्सिन वो फिर से वापस नॉर्मल आ गया। बराबर, ये एक पहलू हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा पहलू क्या है। देखिए बॉडी में नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल था, अगर घट गया तो क्या होगा, थायरोक्सिन का लेवल बॉडी में घट गया तो क्या होगा, ब्लड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी पहले तो। बराबर, ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो वो पिच्यूटरी सेंस कर लेगी। देखिए मैं लिखा है ना स्टिम्युलेशन ऑफ TSH सिक्रीशन। बराबर, मतलब क्या कि पिच्यूटरी ग्लैंड को लगा कि भाई ब्लड में थायरोक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो वो TSH के सिक्रीशन को बढ़ावा देगी, उसको स्टिम्युलेशन करेगी, तो क्या होगा, सिक्रीशन होगा किसका, TSH का पिच्यूटरी से, और वो थायरॉइड ग्लैंड पर जाकर एक्ट करेगा, तो फिर से नॉर्मल आ गया, थायरोक्सिन का लेवल फिर से नॉर्मल हो गया। देखा, ये हुआ एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल। और दूसरा देख लेते हैं कि भाई दूसरा कौन सा है, तो देखिए दूसरा है वाटर बैलेंस। बराबर, वाटर बैलेंस इन बॉडी, अब ये कैसे हो सकता है, देखिए अभी वाटर बैलेंस वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि बॉडी में हमारे वाटर प्रेजेंट होता है सफिशेंट अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं आता। बराबर, अगर वाटर घट गया, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आई, तो हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो हमारी बॉडी के बेरो रिसेप्टर्स सेंस कर लेंगे और वो ADH के सिक्रीशन को
बढ़ा देंगे, क्या होगा? ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन है ना, उसके सिक्रेशन को बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि हमें बॉडी में वाटर बैलेंस करना है बराबर, लॉस नहीं करना है उसका बराबर। फिर वो ADH क्या करेगा? ADH करवाएगा किडनी में, नेफ्रॉन में से रिएब्जॉर्प्शन। किसका रिएब्जॉर्प्शन? वाटर का बराबर, वाटर रिएब्जॉर्प्शन बराबर। तो फिर से वो वाटर रिएब्जॉर्प्शन हो गया तो थोड़ा सा मतलब उसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी बराबर। उसका दूसरा पहलू देख लेते हैं कि अगर बॉडी में वाटर कंटेंट बढ़ गया तो क्या होगा? तो बीपी बढ़ जाएगा, बीपी हाई बराबर, बीपी बढ़ जाएगा बराबर। फिर दूसरा क्या होगा? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड फ्लूइड इट इंक्रीज बराबर, बॉडी फ्लूइड बढ़ जाएगा। तो बेरोसेप्टर फिर से सेंस कर लेंगे, फिर ADH का सिक्रीशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से स्टॉप कर देगा बराबर। वो स्टॉप कर दिया तो क्या होगा कि अब जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वाटर का नेफ्रॉन में से, ADH नहीं निकला बराबर, तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा बराबर, नहीं हुआ ना। तो क्या होगा? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। क्या होगा? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बराबर, यूरिनेशन हो गया तो वो एक्स्ट्रा जो हमारे बॉडी में वाटर का कंटेंट था वो बाहर निकल जाएगा बराबर। ऐसे ये भी हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक वाला एग्जांपल बराबर। अब देखिए दूसरा फीडबैक मैकेनिज्म का, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। व्हेन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इंक्रीज द ओरिजिनल स्टिमुलस, ओरिजिनल स्टिमुलस को इंक्रीज किया जाता है बराबर, उसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। कैसे? देखिए सेंसर ने कोई डेविएशन सेंस किया बराबर, कंट्रोल सिस्टम को मैसेज भेजा कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को ऐसा कहता है कि ये चेंज आया वो हमारे काम का है, तो वो उसे बढ़ा देगा बराबर, एक्सेलरेट करेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल बराबर। देखिए यहाँ लिखा है IMP नोट है, ये पॉजिटिव फीडबैक है उसे विशियस साइकिल बोला गया है। अब विशियस साइकिल क्यों बोला गया है तो हम ये आगे देखते हैं बराबर। नॉन एज पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक इज नॉन एज विशियस साइकिल एंड इज लेस कॉमन देन नेगेटिव फीडबैक बट हैज ऑन सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी बराबर। अब नेचर ने कुछ वस्तु हमारे बॉडी में बनाई है, मैकेनिज्म कुछ बनाई है तो वो सोच समझ कर ही बनाई होगी बराबर। मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेगेटिव फीडबैक ही हमारे काम का है, पॉजिटिव फीडबैक हमारे काम का नहीं है, उसकी एक अलग से उसकी हम सिग्निफिकेंस है बराबर। देखिए अब क्या लिखा है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम डो नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली, यहाँ मेनली होगा, क्या होगा? मेनली बराबर। मतलब क्या कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ना, उसके साथ हमेशा नहीं, कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन में नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी रहती है बराबर। इट इज़ द पार्ट ऑफ ए बिग फीडबैक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बराबर। देखिए उसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो okay, पहला है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगा पॉजिटिव फीडबैक का? तो देखिए जब भी ब्लड क्लॉट होता है तब क्या होता है, पहले तो एंजाइमेटिक सिस्टम कोगुलेशन कैस्केड वो सक्रिय होता है बराबर। फिर क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन का रोल आता है, क्या वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है बराबर, और थ्रोम्बिन खुद प्रोथ्रोम्बिन से अपने आप को बनाता है थ्रोम्बिन में बराबर। तो ये थ्रोम्बिन का प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना, अपने आप को प्रोथ्रोम्बिन से बनाना, अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना, ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल बराबर। और अब नेगेटिव फीडबैक यहाँ कैसे आ गया, देखिए नेगेटिव फीडबैक इस मामले में आया कि ब्लड हो रहा है लॉस बराबर, ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या होगा,
हमारी बॉडी ऐसी ट्राई करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे बॉडी में कंजर्व रह जाए, बराबर। इसलिए वो क्या करेगी, वुंड हीलिंग करेगी, सॉरी वुंड को हील करेगी, बराबर। मतलब वो चेंज आया है वो उसे नहीं लाने देगी, ब्लड को फ्लो ज़्यादा नहीं होने देगी, बराबर। तो फिर वहाँ हमें मतलब घाव भर जाता है, बराबर। तो ब्लड का वॉल्यूम हमारे बॉडी में थोड़ा सा ही बाहर जाता है हमारे बॉडी में से, मोस्ट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, कंजर्व रह जाता है, बराबर, इन आवर बॉडी, बराबर। यह हो गया पॉजिटिव फीडबैक का एक एग्जांपल। फिर हो गया मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कैसे आएगा, देखिए, जब भी न्यू बॉर्न बेबी अपनी मदर से ब्रेस्ट फीडिंग करता है तब ड्यूरिंग सकलिंग ऑफ निपल मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, क्या, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, क्या होता है, प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन है वो तो मिल्क बनाने में काम आएगा, बराबर, और ये ऑक्सीटोसिन है जो वो क्या करेगा, तो कि ब्रेस्ट से मिल्क का इजेक्शन करवाएगा, बराबर। मतलब मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, मिल्क को इजेक्ट करने में वो काम करेगा, बराबर। ऐसा ये पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जैसे ही बच्चा मदर की निप्पल सक करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बराबर, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो और दूध आने लगता है, बराबर, और मिल्क का इजेक्शन बढ़ जाता है। इसलिए भी हो गया पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल, बराबर। अभी देखिए पाच्यूरेशन क्यों होगा, तो क्या स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं बेबी की डिलीवरी के टाइम, बराबर। जैसे ही स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुए, मदर की पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, बराबर, ऑक्सीटोसिन हुआ रिलीज, और एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तेज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर से ऑक्सीटोसिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ, तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल। और अभी इसमें नेगेटिव फीडबैक भी एक शामिल है, कैसे, देख लीजिए, ओके, मदर की बॉडी में एक यूटेरस में बच्चा है, बराबर, मतलब प्रेग्नेंट मदर की बॉडी में एक और बच्चा है, बराबर, यूटेरस में, तो मदर की इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुई ना, क्योंकि एक बॉडी में दो जीव है, बराबर, तो मदर की बॉडी को सफ़र करना पड़ता है थोड़ा सा, बराबर, ऐसा, तो वो अपनी बॉडी एनवायरनमेंट को नॉर्मल करने की कोशिश करेगी, बराबर, नॉर्मल करने की कोशिश करेगी, इट विल ट्राई टू नॉर्मल इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, बराबर, उसकी बॉडी, तो क्या करेगी, वो बच्चे की डिलीवरी करवा देगी, बराबर। डिलीवरी हो जाएगी तो मदर की इंटरनल एनवायरनमेंट फिर से ऐसे जैसे पहले थी प्रेगनेंसी के पहले वैसे ही फिर से हो जाएगी, बराबर। मतलब यहाँ आ गया हमारा नेगेटिव फीडबैक, बराबर, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, बराबर। अब चलिए ये हो गया, अब देख लेते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। एक होता है फीड बैक और एक होता है फीड फॉरवर्ड। तो फीड फॉरवर्ड का क्या कहा गया है, देख लीजिए, चलिए, एंटीसिपेट द चेंज और डेविएशन दैट मे अकर इन अ लेटर स्टेज एंड टेक एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शन टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस। अब ये क्या कहा गया है, देखिए, मतलब ये फीड फॉरवर्ड जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करती है, सिंपल भाषा में समझाऊँ तो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आने से पहले, चेंज बिफोर चेंज, बॉडी अपनी तैयारी खुद कर लेता है कि भाई ये चेंज आने वाला है तो हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा और वो चेंज को हमें नॉर्मल करना पड़ेगा, बराबर, उससे इंटरनल एनवायरनमेंट को हमें नॉर्मल करना पड़ेगा, बराबर। देखिए कैसे, उसके एग्जांपल देख लेते हैं। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस अलोंग विद द सलाइवरी सिक्रीशन इवन बिफोर एंट्रेंस ऑफ फूड इन माउथ
अब ये क्या कहा गया है बराबर। कभी ऐसा हो, जब भी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा टेस्टी खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है बराबर, पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, तो वो ये फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म का एग्जांपल है। अभी हमने खाना देखा ही है, खाना खाया नहीं है बराबर, खाना खाया नहीं है, सिर्फ देखा है, देखने से हमारे सिक्रीशन बढ़ गए। तो ये क्या हुआ, अभी बॉडी ने खाना नहीं खाया है, उसके पहले उसने तैयारी कर ली, वो सिक्रीशन हुए तो हमें भूख और बढ़ गई बराबर, भूख और बढ़ गई। ये हो गया फिर फॉरवर्ड मैकेनिज्म का एग्जांपल। और एक दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए, देखिए इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ LH प्रायोर टू ओव्यूलेशन, मतलब जब भी ओव्यूलेशन होना होगा तो उसके पहले LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। क्यों, अब क्यों बढ़ेगा देखिए, चलिए क्योंकि LH है वो क्या इंड्यूस करवाता है, वो LH है वो ग्राफियन फोलिकल में से सेकेंडरी ओसाइड का रिलीज करवाएगा बराबर, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी बराबर। इसलिए पहले होता है तैयारी, पहले वो कर लेता है, इसलिए ये हो गया फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म बराबर। अब देख लीजिए कि अगर हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाए तो क्या हो सकता है, देखिए फेलियर ऑफ बॉडी टू मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, उसे कहते हैं होम्योस्टेटिक इम्बेलेंस बराबर। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर एंड डिसीज, मतलब कि वो हमें डिसीज और डिसऑर्डर, मतलब वो रोग उत्पन्न होने की एक निशानी हो सकती है बराबर, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब देख लीजिए कि होम्योस्टेटिक इम्बेलेंस के कारण क्या हो सकते हैं बराबर, कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं, तो कि बढ़ती एज के साथ होम्योस्टेटिक इम्बेलेंस कॉमन हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद आती है स्लीपलेसनेस, अगर कोई आदमी कोई व्यक्ति कई दिनों से नहीं सोया है तो उसका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा बराबर। दूसरी आजकल की सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस, और उसके बाद आता है हाइपोक्सिया, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना, उसे कहते हैं हाइपोक्सिया, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होने को हाइपोक्सिया कहा जाता है बराबर। उसके बाद देख लीजिए उसके कॉमन कॉन्सिक्वेंस, मतलब होम्योस्टेटिक इम्बेलेंस अगर हुआ तो क्या क्या होता है, तो पहले होता है एसिडोसिस बराबर, स्टमक में एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाना, उसका नेगेटिव फीडबैक नहीं होता तो ये एसिडोसिस हो सकता है बराबर, उसका मतलब कंट्रोल नहीं होता तब। डिहाइड्रेशन, ये हमने नेगेटिव फीडबैक में देखा था बराबर, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अगर काम नहीं करेगी ठीक से तो डिहाइड्रेशन हो सकता है ज़्यादा वाटर लॉस के वजह से। अब देखिए हाइपर एंड हाइपोग्लाइसेमिया, ये दोनों ही हो सकता है, क्यों, अगर इंसुलिन ने ठीक से काम नहीं किया तो ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में बढ़ी रहेगी तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा, अगर ज़्यादा काम कर दिया तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा बराबर। और दूसरा है हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, क्या हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर बराबर। तो ये होम्योस्टेटिक इम्बेलेंस के कोच कॉमन कोच सिक्वेंस थे, तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो जाता है होम्योस्टेसिस बराबर। तो ये मेडिकल की एग्जाम्स में फिजियोलॉजी में कई बार 5 से 10 मार्क आ जाता है, तो आप अगर ये फ्लो चार्ट्स बना कर थोड़ा सा इलेबरेट कर देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं बराबर। थैंक यू।